आज तो बज गए बड़े साले जी, अगर मैं वक्त पर बत्ती नहीं बुझाता तो आज हमारी इज्जत की बत्ती गुल हो जाती और वो कमीना पता नहीं हमारा और क्या हाल करता। जनाना की तरह हमारे सामने बात मत करो जीजा। किस्मत हमारी अच्छी नहीं थी, किस्मत कुत्ता की अच्छी थी। एक तो कमिश्नर का घाटा, दूसरा हमारे मुन्ना की सगाई का सवाल था, नहीं तो उसी जगह इतना छोटा छोटा टुकड़ा करता हम उसका कि शेखर वाला गिनते गिनते मर जाता। भैया भैया मुन्ना तो ठीक तो है ना? क्या हुआ भैया? ये देखो। अरे बड़े साले जी, ये तो खून के धब्बे। अरे बड़े साले जी, ये तो हर तरफ पूरे ही खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। कमाल, जयो। मालिक, ये सब कहाँ है? किसका हरकत है ये? पता नहीं काली बाबू, ये धब्बे हम पहली बार देख रहे हैं। और आंखें बंद करके सोता है, आंखें बंद करके सोता है। बड़े साले जी ये कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पावर का फेलियर हुआ है। ए, देखो बत्ती को क्या हुआ, जा। काल की तरह हरकत करता जी जा। बड़े साले जी, ये तो छोटे साले जी का पुतला है ना? तो कोनो चिंता मत करना, हम समझ गए सब कुत्ता का हरकत है। लगता है वो कभी ना सिर्फ हाथ धोकर नहीं बल्कि पूरा नहा धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। अरे बड़े साले जी, ये उसी का है, ये उसी का है, उसी का है। बको, कब तक इस तरह भागते रहोगे काली? अपने जुबान से अपने जुर्म कबूल कर लो, वरना शीशे पे लगे जो कच्चे रंग के निशान देख रहे हो ना तुम, वो खून में बदल जाएंगे और पुतले की जगह तुम्हारे अपने मुन्ना की लाश होगी तुम्हारे घर में। चुप, भेज रहा। दीवारों पे खून जैसा निशान बना देने से या चार छोकरा लोग को साथ में जमा कर लेने से कोई गुंडा नहीं हो जाता। हम पिछले 1500 साल से बिना दीवारों पे खून उड़ाए खून करते चले आ रहे हैं, समझो? तो ठीक है, समझ लो कि आज से जंग शुरू हो गई है। अपने मुन्ना से बहुत प्यार करते हो ना तुम, आज के बाद अपने मुन्ना को बिल्कुल मुन्ने की तरह बचा के रखना। और हाँ, उसका इंश्योरेंस भी निकलवा लो, पास होने की गारंटी मैं देता हूं। देखो मुन्ना, जब तक हम उसकी चिता इन हाथों से चलाना दें, तुम बाहर नहीं निकलोगे, हैं? समझ गए? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काली ने बाली को बंगले के अंदर छुपा रखा है। बंगले के बाहर काफी बंदूकधारी पहरा दे रहे हैं, हमारा बंगले के अंदर जाना नामुमकिन है, इसलिए हमें किसी भी तरह बाली को बंगले से बाहर निकालना होगा। सर, एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम उसका बंगला खरीद ले, तो वो खुद बाखुद सड़क पर आ जाएगा। बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। सर, क्या बंगला खरीदे हुए तुम अपने आप को क्या समझते हो, टाटा या बाटा की औलाद? नहीं तो सर। अपना आइडिया अपने पास रखो और मेरी सुनो। जी। सर, जब तुम लोग मुझे श्री देवी जी की आवाज निकालकर बेवकूफ बना सकते हो तो बाली क्या है यार? मैं समझ गया सर। गुड, अब तुम लोग मैदान में उतर आओ और देविया तुम अपने घर जाओगी। हाँ, तुम हमारी जासूस बनकर अपने घर में रहोगी और पुलिस की हर चाल के बारे में हमें बताती रहोगी, ताकि हम काली के साथ अपनी चाल बराबर चलते रहें। बनवारी होशियार है, जगो। जी जना। गोली मारूंगा। अरे जीजा, मैं हूँ मैं। अरे साले जी, कितनी बार कहा यूं चौंकाया मत करो, हार्ट अटैक दिलवाओगे क्या? अरे हद होगी ये डरने की भी, 3 दिन से मैं इस घर से बाहर नहीं निकला, मेरा दम घुटता है इस कैदखाने में, कब तक मुझ पर ये पहरा लगा रहेगा? हाँ, कब तक? हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाने से ये कैद बेहतर है, उस छोकरे के सर पे खून सवार है, वो हम में से किसी को भी अटका सकता है। जब तक बड़े साले जी उसका क्रियाक्रम नहीं कर देते, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। हेलो,
हाँ हाँ बड़े साले जी बोलिए जीजा। हाँ हमारा मुन्ना जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दिया जाए, उसको कैद में रखने का कोई जरूरत नहीं। अरे बड़े साले जी आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। हमरा नाम काली है, जवान भी काली है हमरी, हम जो कह देते वो हो जाता है। हमने कहा था ना उसका रंग को ठिकाने लगा देंगे, उस कुत्ते का लाश हमरे सामने पड़ा तड़प रहा है। वाह वाह, अरे वाह वाह बड़े साले जी वाह वाह। अरे ये खुशखबरी सुनाकर आपने तो हमारे कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। जाने दो। अच्छा, हाँ ओके ओके। छोटे साले जी, छोटे साले जी, अरे ये ले जाबे छोटे साले जी, चल भाग यहाँ से भाग। अरे छोटे साले जी, गुस्सा थूक दो छोटे साले जी, और जहाँ जाना चाहो जाओ, अब कोई रोक टोक नहीं है। अरे वो कुत्ता कुत्ते की मौत पर आ गया, बड़े साले जी ने उसका काम तमाम कर दिया। सच? अब जश्न करो, खाओ पियो नाचो गाओ, जो कर रहा है वो करो। ये क्या म्यूजिक लगा दिया हा? इस पे हम सब डांस करेंगे क्या? ये सब लोग नहीं, बाली सिर्फ तू डांस करेगा। अच्छा हाँ बाली, डांस का वैसे भी तुझे बहुत शौक है ना, इस संगीत पे जरा कथक करके दिखा दे। कथक के बच्चे? अरे क्यों खाऊं खा गुस्सा हो रहा है, ये तो तेरा खानदानी पेशा है। सुना है अमीना भाई के कोठे पे तेरी मामी मुजरा क्या करती थी? अब दोस्त की तरह तेरी जिंदगी भी। नहीं मुन्ना। नहीं भैया नहीं, इस कमीने को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारी माँ को गाली दी है। ऐसा का गलत कह दिया इसने, तेरी हरकत देख के तो इसकी बात ठीक ही लगती है। आज तेरी जिंदगी बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है मुन्ना, चल नाच के दिखा। नाच मुन्ना। अरे मुबारक हो बड़े साले जी। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बड़े साले जी, प्राण जाए पर वचन न जाए। मगर उसका क्रियाकरण करने से पहले एक बार उस कुत्ते की शक्ल हमें भी दिखा देते तो पीने का बड़ा मजा आता। इसका क्रियाक्रम मुन्ना कहाँ है? मैं पूछता हूँ मुन्ना कहाँ है? मुन्ना तो घूमने फिरने गया है, आप ही ने तो फोन पर कहा था वो जहाँ जाना चाहे उसे जाने दिया जाए। जल्दी जाओ और हमरे मुन्ना को ढूंढो, अगर हमरे मुन्ना को कुछ हो गया तो एक एक लाश बिछा देंगे। जाओ जाओ, हमरे मुन्ना का जिंदगी खतरे में है। क्या बात है बालिश? महादेव करण वो हरामजादा है, वो मुझे जान से मार डालेगा, तुम लोग जाओ उसे पकड़ो जाओ। मत करो बालिश साहब, हम देखो। ये जगह देखकर कुछ याद आया बाली? ये लोहे की सलाखें, ये हाथकड़ी और ये पट्टा, कुछ याद आया? याद आ गया ना?
याद आया? बाली, मैं गरीब आदमी और हम गरीब लोग कोई भी कर्ज अपने ऊपर बाकी नहीं रखते, भले चुकाने में थोड़ी देर हो जाए मगर चुकाते जरूर है। और आज मैं तेरा सारा कर्ज चुका दूंगा। पानी हाथ करी, पानी हाथ करी, पानी। हम काली बाबू बोल रहा हूं, कुछ पता चला हमरे मुन्ना का? तुम्हारा मुन्ना इस वक्त डोगरी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। कौन? वही जिसकी मुट्ठी खुलाने का बहुत शौक था तुम्हें। तुमने मेरी मुट्ठी तो खुलवा दी काली, मगर इस मुट्ठी में अब तुम्हारे मुन्ना की जान आ गई है। सुन हरामजादा, सोच समझ कर गाली दे काली, क्योंकि जितनी ज्यादा गाली गुफ्तार से तो बात करेगा उतनी तकलीफ से मरेगा तेरा भाई। सुन अपने भाई की, ठीक है? साले जी, हमें भी बताओ हो क्या रहा है? साले जी, वो कह रहा है वो हमारे मुन्ना को कुत्ते के साथ पीटा है। गाली करो। घाव पर घाव देने का मजा ही कुछ और होता है ना? हाँ? तेरे इस घाव को नासूर बना दूंगा। अरे ये क्या कर दिया तूने? अरे वाली को कुछ हो गया तो काली तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। महादेव, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं महादेव? एक काम कर, काली यहाँ आ जाए उससे पहले भाग यहाँ से। मैं जाऊं? हाँ, वो आ गया तो मैं संभालूंगा, लेकिन तू यहाँ से भाग। संभालोगे महादेव? भाग। मुन्ना, क्या है ये सब? डॉक्टर, हमारे मुन्ना को देख, गोली लग गया इसको। डॉक्टर देख देख, अगर हमारे मुन्ना का कुछ हो गया तो पूरे अस्पताल का लाश गिरा देगा हम। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। क्या? अभी भी तो सांस चल रहा था हमारे मुन्ना का। तू ठीक तरह से देख डॉक्टर, तू ठीक तरह से देख हमारे मुन्ना को। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं डॉक्टर, नहीं, नहीं। अगर अपना जिंदगी बचाना चाहता है तो हमका कारण, उसका सब दोस्त, उसका खानदान वाला, एक एक आदमी जो उसका साथ दिया, उन सबका खून हमको चाहिए। जा!